एक घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। परिवार में बहुत सारी खुशियां मनाई गई, मिठाइयां बांटी और उसका नामकरण किया गया रुद्रांश। कुछ दिन बाद जब रुद्रांश थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उसके सारे दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन रुद्रांश को भगवान शिव पर अटूट विश्वास था। वो सुबह सुबह हमेशा भगवान शिव का जप करता था और उन्हें कुछ भोग लगाता था। एक दिन ऐसा हुआ, जब वह स्कूल से आ रहा था तब कुछ लोग वहां पर आकर उसको किडनैप करके उसके घर वालों से ढेर सारे पैसों की डिमांड करने लगे। एक दिन रुद्रांश किसी तरह से वहां से फरार होके निकल गया तो उसको ढूंढने के लिए उस किडनैपर ने अपने आदमी लगा दिए। पर रुद्रांश भागते भागते एक कुटिया के पास पहुंचा, जिसके आगे शिवजी का त्रिशूल गड़ा हुआ था। किडनैपर के वहां पर पहुंचने से पहले वो उस कुटिया के अंदर पहुंच जाता है। जब किडनैपरों ने कुटिया के अंदर घुसने की कोशिश की तो वो अंदर घुस ही नहीं पाए। स्वयं भगवान शिव ने आके रुद्रांश की जान की रक्षा की। भगवान भोलेनाथ को भक्तों से कुछ नहीं, केवल सच्ची भक्ति चाहिए होती है। वो तो अड़भंगी हैं। कोई 5 बार सच्चे मन से जय शिव बोल दे तो भगवान उसका कल्याण कर देते हैं। इस छोटे से बालक की सच्ची श्रद्धा का ही बल था कि स्वयं भगवान उसको बचाने के लिए आ गए। वैसे भी भगवान शिव का मनपसंद माह सावन माना जाता है। भगवान शिव इस समय हर जगह भ्रमण करते हैं। भगवान शिव मानव से लेकर दानव तक, पशु से लेकर पक्षी तक हर जीव पर कृपा करते हैं। भगवान शिव बहुत ही दयालु हैं। इस सावन आपके पास भी मौका है भूत भावन भोलेनाथ को रिझाने का, उनको मनाने का और उनकी कृपा सागर में समाने का। बस सच्चे दिल से भगवान की आराधना करें और नेक कर्मों में मन लगाएं। हर हर महादेव।